नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था। सड़क पर लोग चल रहे थे, गाड़ियों की आवाजाही भी जारी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सड़क पर भगदड़ मच जाती है। सड़क पर एक आवाज होती है और लोग भागने लगते हैं। ये दहशत की आवाज थी जिसे सुनकर लोग सहम गए। तस्वीरें भिंड की हैं, जहां एक युवक बेखौफ अंदाज में ठाए ठाए गोलियां बरसाने लगा। एक के बाद एक 6 गोलियों से पूरा इलाका गूंज उठा, जिसका वीडियो सामने आया। इसमें देख सकते हैं कि सड़क पर सब सामान्य है, तभी कुछ देर बाद बदमाश हाथ में हथियार लेकर पहुंचते हैं। लाल रंग की शर्ट पहने युवक की तरफ से गोलीबारी शुरू की जाती है। वो भागते हुए आता है और किसी को निशाना बनाकर गोलियां बरसाता है। सरेराह गोलीबारी होने से लोग दहशत में आ जाते हैं। घटना मुख्य रूप से सिटी कोतवाली थाने के लहार चौक के पास की है। अब इसकी खबर पुलिस को दी गई है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। एक और तस्वीर देखिए जो राजधानी भोपाल की है, जहां बदमाशों ने तांडव मचा रखा है। सड़क पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो राजधानी के शाहपुरा क्षेत्र का है, जहां इंदिरा नगर मल्टी में बदमाशों का आतंक दिखा है। सड़क पर बदमाशों का हुजूम आता दिखा, वहां किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। इस दौरान वे सभी हेड कांस्टेबल महेंद्र शर्मा पर भी हमला कर देते हैं। पुलिस ने महेंद्र शर्मा की शिकायत पर शाहपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने हबीबगंज की FRB पर भी हमला किया। अब वीडियो के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अब इस तस्वीर को देखिए जो छतरपुर से आई है। एक्शन हो रहा है, गुमटियां तोड़ी जा रही हैं, बकायदा उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। ये तो क्लाइमेक्स था, अब पटकथा सुनिए। हुआ क्या था, ऐसी नौबत क्यों आई जो गुमटियों पर बुलडोजर चलाना पड़ा। दरअसल सिविल लाइन थाना इलाके में कलेक्टर के बंगले के पास कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर बैठे हुए थे। इसके बाद निर्देश दिया गया अवैध गुमटियों को तोड़ने का। नगर पालिका की टीम इस निर्देश का पालन करने में जुट गई। CSP समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया और फिर कार्रवाई शुरू हुई। अवैध रूप से बनी गुमटियों पर बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, उसकी एक तस्वीर मिनी मुंबई कहे जाने वाली इंदौर से आई है, जहां सड़क पर हंगामा बरपा है। बदमाश बेखौफ होकर आतंक मचा रहे हैं। तस्वीरें देखी, हाथों में डंडा, सिर पर गुस्सा सवार और फिर दे दनादन एक युवक की पिटाई। ये सब कुछ शहर के एक मुख्य इलाके में हुआ। दरअसल जैसे जैसे रात ढल रही थी, कैफे में रईस जादे और नशेड़ियों की भीड़ जुट रही थी। इस दौरान गाने बजाने को लेकर हंगामा हुआ और ये हंगामा विवाद बन गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसात्मक रूप ले लिया। बदमाश ने एक अन्य युवक की पिटाई कर दी, वो भी बेल्ट और डंडों से। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और MIG थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अब अगली तस्वीर देखिए जो जबलपुर से आई है, जहां आस्था के नाम पर अश्लीलता और प्रवचन के नाम पर हुहड़ता हो रही है। ये ठुमके और इस ठुमके पर झूमते लोग, ये ना तो कोई शादी विवाह की तस्वीर है और ना कोई पार्टी फंक्शन की, ये तो कटंगी के प्रज्ञा धाम आश्रम में आयोजित सनातन धर्म प्रवचन की तस्वीर है, जहां प्रवचन तो नहीं हो रहा है, हाँ फूहड़ डांस जरूर हो रहा है। दरअसल संस्कार धानी कहे जाने वाली जबलपुर के प्रज्ञा धाम आश्रम में प्रवचन का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में प्रवचन की जगह कुछ और होने लगा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो होने के बाद आयोजकों की थू थू हो रही है, लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश के कई नेता रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। जशपुर से कांग्रेस विधायक विनय भगत भी कुछ ऐसे ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एक रील शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने डांस को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले विधायक विनय भगत का ये वीडियो यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। वीडियो में कपल का क्यूट केमिस्ट्री नजर आ रही है। बॉलीवुड के फेमस 2 गानों पर विधायक ने अपनी पत्नी के साथ रील बनाई, पत्नी ने भी विनय भगत का बखूबी साथ दिया। विधायक विनय भगत बेहद कैजुअल लुक में नजर आए, तो वहीं उनकी पत्नी ने रेड कलर का इंडियन अटायर कैरी किया था।
कहते हैं प्यार जाति धर्म नहीं देखता, वो सरहद भी नहीं देखता। फतेहपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां दो लोग दो अलग अलग देशों से होते हुए भी एक हो गए। नीदरलैंड की गैब्रिला को उसका प्यार हिंदुस्तान खींच लाया। प्यार की इस कहानी में एक उत्तर प्रदेश का छोरा है तो उसकी दुल्हन नीदरलैंड की गोरी। देखिए शादी का जश्न चल रहा है, दूल्हा दुल्हन के साथ उसके नाते रिश्तेदार भी खुशी से झूम रहे हैं। यहाँ दो संस्कृतियों का मिलन दिख रहा है। दूल्हा हार्दिक और दुल्हन गैब्रिला के लिए भी ये यादगार पल बन गया जब दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और साथ फेरे लिए। इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान हल्दी की रस्म हुई, महिलाओं ने गीत गाए। 29 नवंबर को दोनों एक दूजे के हो गए। रिश्तेदारों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। अस्पताल के अंदर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। दुल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहा है। नाते रिश्तेदारों के बीच दोनों शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन शादी तो मैरिज हॉल में होती है तो अस्पताल में शादी की क्या जरूरत पड़ गई, जहां एक हॉल को ही मंडप बना दिया गया। अस्पताल में हुई इस शादी की वजह भी सामने आ गई है। शेरवानी में जो दुल्हा दिख रहा है, दरअसल वो दिल्ली के कोंडली इलाके का रहने वाला है। अविनाश की शादी फरीदाबाद की अनुराधा से तय हुई। शादी की तारीख 27 नवंबर तय हुई थी। दोनों पक्षों ने शादी की खूब तैयारियां भी की, शादी के मौके पर जमकर खरीदारी भी की। लड़की पक्ष ने पलवल में बैंकट हॉल भी बुक करा दिया था, लेकिन इससे पहले कि शादी होती एक विघ्न बाधा आ गई। शादी से ठीक चार दिन पहले अविनाश को बुखार आ गया। अविनाश जब डॉक्टरों के पास गया तो उसे टेस्ट की सलाह दी गई, जिसमें अविनाश को डेंगू निकला और 25 नवंबर को उसे गाजियाबाद के वैशाली के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अविनाश की प्लेटलेट्स गिरते गिरते 10,000 तक पहुंच गई, जिससे अविनाश को रिकवरी में दिक्कत आ रही थी। डॉक्टर किसी भी सूरत में उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते थे। दोनों पक्षों की तरफ से शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे, मंडप बुक हो चुका था, हलवाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में शादी को टालना भी संभव नहीं हो पा रहा था। दोनों घर वाले बेहद ही परेशान हो गए, क्योंकि दोनों तरफ से शादी से पहले खर्चा भी बहुत हो चुका था। ऐसे में अस्पताल में ही शादी करने का फैसला लिया गया। दोनों पक्ष मान गए। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को वहीं पर शादी करने का आवेदन दिया। आखिरकार अस्पताल ने इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद 27 नवंबर के दिन ही दोनों पक्षों के 10-10 लोगों की मौजूदगी में शादी हो गई। बाद में दुल्हा दुल्हन ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और इस तरह से अविनाश और अनुराधा की शादी अस्पताल में राजी खुशी संपन्न हो गई। एमपी में एग्जिट पोल भी आ गए। जिसकी जीत की खबरें हैं वो खुश हैं और जिनकी हार की खबरें हैं वो भी आश्वस्त हैं कि जीत उनकी होगी। अब एग्जिट पोल के बाद काउंटिंग की बारी है, जिसकी चल रही तैयारी है। एमपी में 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। काउंटिंग को लेकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रशासन और पुलिस की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। पुरानी जेल के बाहर जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। यहां करीब 1600 जवान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करेंगे। तो वहीं भोपाल के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। हर कमरे में 4-4 तीसरी आंख मतलब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे समझ सकते हैं कि 360 डिग्री से नजर रखी जाएगी। वहीं स्ट्रांग रूम से काउंटिंग रूम तक के रास्ते पर कैमरे की नजर रहेगी। काउंटिंग स्टेशन पर घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर, पानी की बोतल को प्रतिबंधित किया गया है। बलौदाबाजार में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान पूर्ण हो चुके हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होने वाली है। बलौदाबाजार जिले के तीनों विधानसभा के लिए मतगणना बलौदाबाजार के मंडी प्रांगण में होने हैं, जिसके लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 3 स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें बाहरी कैडर पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, तो वहीं अंदर के 2 कैडर में सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। काउंटिंग रूम में पार्टियों के एजेंटों के प्रवेश के लिए अलग से प्रवेश द्वार बनाए हैं। वहीं मतगणना करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग गेट बनाया है। मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
जिले की तीनों विधानसभा की मतगणना होनी है। बलौदाबाजार और भाटापारा विधानसभा के लिए 14 टेबल पर मतगणना होना है, तो वहीं कसडोल विधानसभा के लिए 21 टेबल का इंतजाम किया गया है। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर बलौदाबाजार जिले में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब रेल यात्रियों की टेंशन बढ़ने वाली है, शादियों के सीजन में परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रेलवे ने एक ऐसा फैसला किया है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रेल यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में राजनांदगांव और कन्हाल रेलवे स्टेशन के मध्य तीसरी रेल लाइन का कार्य किया जा रहा है। रेलवे विभाग के अनुसार कान्हा स्टेशन में दिनांक 2 दिसंबर 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से 48 एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। अब 2 दिसंबर से लोगों को सफर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इंदौर के तलावली चांदा की मल्टी के फ्लैट में आग लगने से इप्का कंपनी के मैनेजर की पत्नी जिंदा जल गई। धुआं देख पड़ोसी पहुंचे और दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि अभी आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर की छानबीन की। कुछ लोगों का कहना है कि अंदर कुछ ब्लास्ट जैसा जरूर हुआ था। टीवी भी जली हुई मिली है। घटना के वक्त स्वाति फ्लैट में अकेली थी। जब घटना के बाद लोग अंदर पहुंचे तो स्वाति का शव पड़ा हुआ था। वो पूरी तरह से झुलस चुकी थी। पास में टीवी जली हुई थी और कमरे में सैनिटाइजर पड़ा था। सड़क पर परखच्ची उड़ी कार, जिसका एक एक पार्ट बिखरा पड़ा है। तस्वीरें बता रही है कि हादसा दर्दनाक था। राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। शिवाजी चौराहे पर हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटकर फुटपाथ पर चढ़ गई। कार में 5 दोस्त सवार थे। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। इनमें से 1 ही अस्पताल में गंभीर हालत में बताया जा रहा है। घायलों को शासकीय हमीदा अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसा काफी दर्दनाक रहा। कार सवार विक्रम गुप्ता और अभिराज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों सीहोर के नसरुल्लागंज के रहने वाले थे। यहाँ अपने दोस्तों के साथ भोपाल घूमने आए थे। विक्रम गुप्ता और अभिराज सिंह के अलावा 3 मित्र भी कार में सवार थे। ये तीनों भी घायल हुए हैं और इन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से 1 की हालत गंभीर है। इनका इलाज हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ब्रेकर आने पर कार चालक ने कार को स्लो किया होगा। प्रयास लगातार कर रहा था, लेकिन कार की स्पीड इतनी तेज थी कि कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और यह हादसा हुआ। रीवा जिले में भी अवैध रेत का काला कारोबार फल फूल रहा है। त्योंथर तहसील के तमस और बेलन नदी में रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। हैवी मशीनों के माध्यम से बरुआ, तमसा, आरती घाट, बाबूपुर, चिल्ला, 1 दर्जन से ज्यादा घाटों पर अवैध खनन चल रहा है। नाव और ट्रैक्टर के माध्यम से एमपी से खनन कर रेत को यूपी भेजा जा रहा है। इससे पहले भी शहडोल में रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी की हत्या की। सत्याकांड के बाद प्रदेश में सियासत गरमाई। इसके बावजूद रीवा जिले के चौथर तहसील के टमस और बेला नदी में नाव में हैवी मशीन लगाकर 1 दर्जन से ज्यादा घाटों से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित नाव के माध्यम से यूपी परिवहन किया जाता है। इसके अलावा इलाके में रेत और खनन माफिया का बोलबाला है। रेत का काला कारोबार बेखौफ तरीके से चल रहा है, जिसका जिम्मेदार मौन है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कैसे नदी से रेत निकाली जा रही है। और इस मामले में त्योथर एसडीओपी उदित मिश्रा की माने तो जल्द से जल्द खनिज राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करेंगे। दो दिसंबर से नक्सलियों का PLGA सप्ताह शुरू हो रहा है और उसके पहले नक्सली बस्तर के अलग अलग इलाकों में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सली ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सली ने कंदाड़ी गांव के उपसरपंच की जन अदालत लगाकर हत्या कर दी। मोबाइल टावर में भी आगजनी की है। सड़क में गड्ढे खोदे हैं। घटना जिले के छोटे बेठिया और बांदी थाना क्षेत्र की। नक्सली ने उपसरपंच की हत्या क्यों की फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नक्सली ने संगम जाने वाली पक्की सड़क को भी जगह जगह से काट दिया। भारी मात्रा में पर्चे फेंके। नक्सली 8 दिसंबर तक PLGA सप्ताह मनाएंगे। लगातार हो रही नक्सली घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। पहले हाथी घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे,
अब इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें कि शंकरगढ़ वन क्षेत्र के पत्र टोली गांव में हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई। अब महिला का शव मिला है। बताया जा रहा है महिला हाथी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन हाथियों ने महिला को दौड़ाकर मार डाला। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी शंकरगढ़ वन क्षेत्र में हाथियों के उत्पात में एक की मौत हो चुकी है। अब ऐसी दूसरी घटना सामने आई है। गरियाबंद जिले की उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में अप्रैल 2023 से लापता एकमात्र 9 साल की बाघिन को ढूंढने में लगी हुई है। इसी बीच अभ्यारण्य प्रशासन ने बाघ कॉरिडोर माने जाने वाले महाराष्ट्र बॉर्डर के एटापल्ली रेंज में बाघ खाल की तस्करी करते दो तस्करों को गिरफ्तार किया। घटना 28 नवम्बर की बताई जा रही है। आरोपी श्यामलाल नरौटी निवासी बासन मुदरी और अमजद पठान निवासी एटापल्ली को एंटी पोचिंग टीम ने गढ़चिरौली वनमंडल के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बाघ की खोज के बीच बाघ का खाल मिलना हैरानी का विषय तो है, पर ये खाल उदंती में पाए जाने वाले टाइगर का ही है ये नहीं कह सकते। प्रतिभा, सुविधाओं और संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बिना संसाधन भी लोग कैसे अपनी पहचान बनाते सफलता पाते हैं। सीधी जिले के सौम्य पांडे ने कर दिखाया, जो भारतीय जूनियर क्रिकेट टीम के उपकप्तान बनाए गए, जिससे विंध्य क्षेत्र ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। दिसंबर माह में दुबई में खेले जाने वाले एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सौम्य की माने तो मेहनत और लगन से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनके उपकप्तान बनाए जाने के बाद जिले में खुशी की लहर भी है। क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट खिलाड़ी इसे जिले की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की उपलब्धि बता रहे हैं। उक्त टीम में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के भरतपुर निवासी सौम्य पांडे को अवसर मिला है। दिसंबर में दुबई में खेले जाने वाले एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम में ईश्वर पांडे, कुलदीप सिंह के बाद सौम्य पांडे ही एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं जिन्हें देश के लिए खेलने का अवसर मिला है। बीसीसीआई द्वारा शनिवार को 15 सदस्य अंडर 19 क्रिकेट टीम की घोषणा की गई, जिसमें उन्हें उपकप्तान बनाया गया और अब इसके बाद उनके परिवार में खुशियों की लहर है और प्रदेश को सौम्य पर गर्व है।